जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूफटॉप गोट फार्मिंग। क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है। ये जी दूध है और तकरीबन 100 ml के करीब दूध होगा और इसके अंदर जो है गुलकंद शामिल की गई है वो तकरीबन 10 ग्राम के आगे पीछे है। तो ये इसको मैं अभी दे रहा हूँ इस टाइम नीम गरम, अभी फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ इसको, तकरीबन 3 दिन देनी है ये। ठीक हो गया। तो ये क्यों देनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली हुआ ये है कि इसका जो दूध है ना वो बहुत कम इस दफ़ा आया है। ठीक है, और मुझे ठीक से उसका इल्म नहीं है कि क्यों ये वजह बनी है इतनी ज़्यादा दूध कम होने की, लेकिन दूध बकरी ने उतारा बहुत ज़्यादा था। फिर जब उसको सोजन का मसला आया तो मैंने उसको फाइब्रोफिट DS दी है, उसके बाद से इसने दूध जो है ना बहुत कम उतारा है। तो ये जो नुस्खा है ये दूध बढ़ाने के लिए ही किसी ने मुझे मशवरा दिया है। देखें अब क्या रिस्पॉन्स देता है क्या नहीं देता। तो 3 दिन देना है ये, अल्लाह करे से दूध इसका आना शुरू हो जाए बेहतर। तो फिर जो है मुझे जो है ना इसका जो एक पट है वो फिर कम से कम एक पट का ही पूरा कर लेगी दूध, तो वही बहुत है। तो इस दफ़ा काफ़ी जो है मुश्किल का सामना करना पड़ा, काफ़ी कह लें कि नुकसान कह लें या काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल गया, काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी किस्म की जो है चीज़ें ऊपर तले आई हैं। तो ये लूसन में लेके आया हूँ अभी ताज़ा, इसको धूप लगवा रहा हूँ, थोड़ी वाश लगेगी। तो बकरी को डाल के बकाया जो है 1-2 दिन के अलग लूसन होता है मेरा, तकरीबन परसों तक निकल जाएगा, परसों सुबह तक। अच्छा, तो मैं बता रहा था बैड लक वगैरह कुछ हुई हैं, कुछ मेरे से चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, कुछ मसाइल आए हैं, वो चीज़ें भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इस बकरी ने 3 बच्चे दिए थे, ठीक है, माशाल्लाह से 1 नर था और 2 मादियां थी। तो बच्चे कुछ कमज़ोर थे वो दोनों, ठीक है, मतलब तकरीबन 10 घंटे के हो गए थे, 12-14 घंटे के जब रात हुई है, तो उस टाइम भी वो अपने खुद से खड़े नहीं हो पा रहे थे पिछली टांगों पे, वे एक किस्म का लेट जाते थे पेट के ऊपर। तो मौसम मुझे मुनासिब लग रहा था लेकिन मैं सही से जज नहीं कर पाया। रात को जो है ठंड काफ़ी हो गई, हवाएं वगैरह चलना शुरू हो गई थी, तो वो इधर ही फर्श के ऊपर जो है ना वो मैंने घास वगैरह से डाली हुई थी, पूरी घास मैंने बिछाई हुई थी, उस घास पे पड़े रहे हैं। लेकिन आपको पता है जानवर है, बकरी ने कहीं पेशाब वगैरह किया तो उनसे जगह गिली हो गई। ये चीज़ मैंने अपने तौर पर देखी है कि मिसमैनेजमेंट जो हुई है वो। फिर मैं शाम को रात को तकरीबन 3-3:30 बजे ऊपर आया हूँ, मैं उनको जो है ना अंदर कमरे में ले गया हूँ जहाँ पे मैंने तोते वगैरह रखे हुए हैं, उधर तीनों बच्चों को जाके घास में एक जगह पे जाना रख दिया, उधर का माहौल काफ़ी बेहतर था। तो सुबह जब मैं आया हूँ तो बेचारे थोड़े निडाल हुए थे, 2 बच्चे ज़्यादा निडाल थे, एक जो है वो फट वो ठीक थी, मुनासिब थी। बहरहाल इनको चूंकि दूध नहीं था इनके बकरी के नीचे, जैसा आप लोगों को बताया, तो मैंने मिल्क प्रेशर भी ला के वो भी इनको थोड़ा थोड़ा पिलाया था बच्चों को। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जब सुबह आया हूँ मैं तो बच्चों का जो है ना पेट थोड़ा थोड़ा फूल गया था, 2 बच्चों का, ठीक है, तो मैंने इनको कॉलिक ड्रॉप करा और इस तरह थोड़ा बहुत दिया, लेकिन वो मामला जो है सेट नहीं हुआ। धूप वगैरह निकल आई थी, धूप वगैरह में भी रखा, फिर मैं ऑफिस चला गया था, पीछे से डॉक्टर को भी बुलाया गया, डॉक्टर ने आके चेक किया तो डॉक्टर ने ये कहा कि बच्चों दोनों बच्चे जो थे उनकी आंतों में काफ़ी शदीद इन्फेक्शन जो हुई हुई है, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि ETV का मसला भी था। अब वो ETV का मसला जो है वो मैंने उनसे भी मशवरा किया, उसके अलावा बाकी भी मैंने दोस्तों बाप से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये बच्चों में बकरी से ही आता है, तो मेरी बकरी में ही कहीं ETV का वायरस था जो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ और वो दोनों जो है ना मेरे बच्चे एक्सपायर हो गए। अब मेरे पास इस टाइम एक पट है। तो ये सूरत हाल बनी है और काफ़ी एक किस्म का सेटबैक मुझे मिला है
काफ़ी जो है मुझे खुशी भी हुई थी तीन बच्चे देख के, उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन ये कि बस कुछ मैं संभाल नहीं पाया और कुछ ईटीवी की वजह से मसाइल जो हैं वो आ गए। अब जो एक पट है वो इधर त्रिपाल के पीछे जा के ना एंड पे वो बैठी हुई है चीने रंग में, ठीक है ये भी आपको किसी दिन दिखाऊंगा। ये सूरत हाल बनी थी और काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुआ हुआ था इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था, और बाकी जो डिलीवरी की वीडियो वो भी लेट ही अपलोड इस वजह से की मैंने। बहरहाल अब यही उम्मीद है इससे कि चलो अगर ये दूध वगैरह कुछ अपना मुनासिब कर ले, कम से कम इस जो एक पट है इसको सही से पाल ले। अभी मैं पट को भी मिल्कल प्रेशर दे रहा हूँ, कल परसों से शुरू किया है सुबह शाम थोड़ा थोड़ा देना, तो अल्लाह करे कि वो पाल जाए तो चलो एक सिलसिला जो है चल पड़ेगा। बाकी इस बकरी के बारे में अभी सोच विचार चल रही है क्या करें, इसको या बेच दूंगा या फिर इसको रखी रखेंगे और एक सुबह लेने की और ट्राई करेंगे। तो बकरी माशाल्लाह से अच्छी है, नस्ल में भी है ठीक है। पिछले सुबह में एक पट दी थी, काफ़ी लोगों ने ये कहा था कि ये एक ही पट देगी हमेशा, इसने इस दफ़ा तीन बच्चे दे दिए, इस लिहाज से भी अच्छी निकल आई है। दूध पिछली दफ़ा इसका काफ़ी अच्छा था, इस दफ़ा कुछ मसाइल जो इसको आए हैं उस वजह से दूध में से नहीं उतारा। ये सारे सिलसिले साथ साथ ही चलते रहे हैं, तो देखते हैं अब क्या बनता है। तो अभी के लिए इतना ही है, मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक हो गया गुलकंद तकरीबन 10 ग्राम 100 ml दूध नीम गर्म इसको मैंने दिया है, तीन दिन ये देना है। तो ये चीज़ जो है दूध बढ़ाने के लिए काम आती है, दूध बढ़ाने का बेसिकली मकसद ये है कि ये इसकी फिलवर्क करेगी अंदरूनी सफाई, ठीक है, जो सोने के बाद होती है वो जब जानवर सही से कर लेना तो दूध ऑटोमेटिकली उनका आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी मैंने कोई काढ़ा वगैरह तो दिया था लेकिन ये एहतियातन मजीद मैंने दे दी है, तो इंशाल्लाह जो है बेहतरी नज़र आएगी। चलें जी अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।